हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे अवर टॉपिक इज सबनेटिंग। सबनेटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू नो अबाउट आईपी एड्रेसिंग। आईपी के एड्रेसिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप इस आईपी एड्रेसिंग की वीडियो को देख लें, आईपी के बारे में जान लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईपी सबनेटिंग, हम समझते हैं कि सबनेटिंग क्या है और सबनेटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जब हमारे पास आईपी थी तो हमने सबनेटिंग क्यों किया। आईपी को हमने छोटे छोटे भाग में सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। जैसे सबनेटिंग अलो यू टू डिवाइड ए नेटवर्क इंटू स्मॉलर सब नेटवर्क। सबनेटिंग क्या करता है, हमें आईपी को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने में हेल्प करता है। ईच नेटवर्क हैज़ इट्स ओन सब नेटवर्क एड्रेस। जो एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क है, उसकी एक अलग से एक नेटवर्क आईडी होगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगी हर नेटवर्क के। नेटवर्क विद इन द नेटवर्क, सब नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड विद इन द एक क्लास ए बी सी। आपको पता ही, हमने जो लास्ट लेक्चर लिया पढ़ा था क्लास आईपी एड्रेस के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि हमको कौन कौन सी आईडी आईपी क्लास की आईपी यूज़ करते हैं। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। डी और ई को हम यूज़ नहीं करते। डी मल्टीकास्टिंग के लिए और ई जो है वो रिसर्च के एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। तो हम सबनेटिंग में हम तीनों आईपी को यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी को तीनों आईपी को यूज़ करेंगे, और उससे हम पता लगे कि हम सबनेटिंग कैसे करें। नेक्स्ट चलते हैं। ये सबनेटिंग एग्जाम्पल है, ये सबनेटिंग की हुई है सभी। आप लास्ट इस लेक्चर के लास्ट तक आप भी समझ जाओगे कि ये सबनेटिंग कैसे की है और एक आईडी से, एक आईपी एड्रेस से हमने कितने नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, आप सीख जाओगे लास्ट तक। तो बाय सबनेटिंग नीड, सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता है जैसे आईपी वर्जन 4 है, उसमें हम 4 ट्रिलियन आईपी को कवर कर पा रहे थे। 4 ट्रिलियन आईपी को कर पा रहे थे। आईपी वर्जन 4 में लिमिटेड नंबर ऑफ जो सिस्टम है वो कवर कर पा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 4 ट्रिलियन नहीं, 4 ट्रिलियन से बहुत ज़्यादा है। तो इतनी सिस्टम को हमने कवर करना आईपी वर्जन 4 के अंडर, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। उन आईपी का इस्तेमाल हम इस तरीके से करें ताकि जो नेटवर्क है वो आईपी जो है हमारी वो वेस्ट ना जाए। इसलिए जहाँ तो अगर हम सबनेटिंग नहीं करना चाहते, मान लो कि हम सबनेटिंग नहीं करना चाहते, हम बिना सबनेटिंग के काम चलना करना चाहते हैं। आप बिना सबनेटिंग के काम भी कर सकते हो। आप आईपी कौन सी यूज़ करोगे, आईपी वर्जन 6 की यूज़ कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आईपी वर्जन 6 में बहुत ज़्यादा आईपी है, वो काफ़ी 400 ट्रिलियन के करीब आईपी है जो आप कवर कर सकते हो। तो जहाँ तो आप आईपी वर्जन 6 चले जाओ। अगर आप आईपी वर्जन 6 भी नहीं यूज़ करना चाहते तो विद इन द लोकल नेटवर्क आप प्राइवेट आईपी का यूज़ कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बारे में, तो प्राइवेट आईपी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये दोनों इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब आपको सबनेटिंग करना पड़ेगा, आपको सबनेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आईपी का जो वेस्टेज को रोकने के लिए या आईपी की सही इस्तेमाल करने के लिए आपको सबनेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग ये सेगमेंट पीस ऑफ लार्ज नेटवर्क। लार्जर नेटवर्क था उसको हमें छोटे छोटे सब में डिवाइड कर दिया, सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं हम सबनेटिंग। नेटवर्क विद इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर दूसरा नेटवर्क, और जो दूसरा नेटवर्क है कि एक नेटवर्क की जहाँ एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है और नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क की जो फर्स्ट आईडी होती है वो नेटवर्क की फर्स्ट आईडी होती है और नेटवर्क आईडी होती है, और उसी नेटवर्क की जो लास्ट आईपी होती है वो होती है ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये सबनेटिंग में क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर दूसरा नेटवर्क, एक नेटवर्क दिया उस, और जो दूसरा नेटवर्क दिया अंदर उस नेटवर्क की भी एक नेटवर्क आईडी होगी, आईपी होगी और ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। इस सबनेट इज टू स्प्लिट ए लार्ज नेटवर्क इनटू ए ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल नेटवर्क, ये आपने देखा ही है, और टू मिनिमाइज ट्रैफिक कंट्रोल। आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, वहाँ सिक्योरिटी भी कम रहेगी, तो इसलिए मैं अगर ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेंगे, अगर हम ट्रैफिक को मिनिमाइज कर लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस आईपी की, उस सिस्टम की।
क्योंकि आईपी जो है वो सिस्टम का है, सिस्टम के साथ कनेक्ट है, हर एक का सिस्टम का एक अलग से आईपी होगा। तो अगर आईपी सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम आपका सिक्योर नहीं है। आईपी हम देखते हैं कि कितने हमें सबनेटिंग करनी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द अकॉर्डिंग टू द होस्ट रिक्वायरमेंट, या तो होस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है, या तो हमारे पास नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब देखते हैं इस एग्जांपल से, इसको पहले आप भूल जाइए इसको, इसको तो बाद में देखेंगे। तो R1 R2 दो राउटर है, राउटर का क्या काम होता है, राउटर इज ए इंटर कनेक्टिंग डिवाइस टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क, दो नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं। अब दो डिफरेंट नेटवर्क को क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं देखेंगे, जैसे इसको क्या बोलते हैं इंटरफेस, जहाँ पे दो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं राउटर के साथ, तो इसको ये बोलते हैं इंटरफेस। ठीक, ये इंटरफेस हो गया। अब मान लो कि जो आईपी है वो विद इन द नेटवर्क अगर सेम है और दो नेटवर्क को कोई किसी चीज़ से कनेक्ट किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्विच। स्विच के अंदर सेम आईपी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और राउटर के लिए आपको डिफरेंट नेटवर्क आईडी ही चाहिए। अब क्यों चाहिए, अब देखते हैं राउटर का क्या काम है कि वो डाटा ट्रांसफर करना, यहाँ से आप ये कल अगर मान लो कि R2 से कोई डाटा आता है R1 के पास, और का R1 को जो इधर मैंने दे रखी है जहाँ पे 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ मैंने क्लास A की आईपी दे रखी है 11.0.0.6, ये आईपी दे रखी है। ठीक, और ये क्लास जहाँ पे 30 कंप्यूटर है वहाँ पे दे रखे हैं 11.0.0.40, यहाँ पे 30 कंप्यूटर थे, और R2 किससे डाटा आया R1 के पास, और R1 को कैसे पता लगेगा कि मुझे कहाँ भेजना है। आप बोलोगे वहाँ भी अगर 6 के बाद भेजना तो भाई 6 के बाद भेजेगा, यहाँ पे 20 कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे 20 इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा 36, यहाँ 36 आ जाएगा लास्ट कंप्यूटर, और यहाँ 40 है 30 कंप्यूटर करेंगे 70 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हमने जो कनेक्शन करना है, जैसे अब देखो कि यो आपका ये 11.0.0.6 है, उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, क्योंकि जो राउटर जो है वो नेटवर्क आईडी से कनेक्ट जो आपका कनेक्शन करता है वो नेटवर्क आईडी को डाटा ट्रांसफर करता है। अब देखो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग में, उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है जो वो है नेटवर्क के लिए, ये है नेटवर्क के लिए, बाकी होस्ट होस्ट को हम 0 0 से डोनेट करते हैं। तो 11.0.0.0.0 ये इसकी नेटवर्क आईडी आ गई। ठीक, अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है 11.0.0.40, यहाँ 40 था। अब इसकी नेटवर्क आईडी निकालेंगे, इसकी नेटवर्क आईडी क्या थी 11.0.0.0.0, इसकी और इन दोनों की आईपी तो नेटवर्क आईडी तो सेम होगी। अब चलो इसकी देख लेते हैं, इसका लिखा है 11.0.0.144, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी, फर्स्ट जो ऑक्टेट है जो है वो रिजर्व है नेटवर्क के लिए, बाकी होस्ट के लिए, तो होस्ट को हमने 0 कर दिया। तो अब देखो इन तीनों की जो नेटवर्क आईडी है वो सेम होगी। अब राउटर को कैसे पता लगेगा कि भाई किसके पास डाटा भेजना मुझे, उसके लिए हम सबनेटिंग करते हैं। जैसे एक आईपी है, ये एक आईपी दे रखी है, इसी आईपी से हम तीनों को सिस्टम को, तीनों जो नेट इंटरफेस है उनको हम डाटा ट्रांस क्या बोलते हैं आईपी दे देंगे, और राउटर को समझ जाएगा कि किसको कौन सी आईपी दे रखी है, वो अपने हिसाब से उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। जैसे मान लो अगर जैसे चलो इधर हम कर लेते हैं 1.4 कर लेते हैं, क्या हम 1.4 कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ 1.4 कर लेते हैं। आप बोलोगे सेम दे दिए, तो मैंने यहाँ पे एक बात और समझानी थी आपको। ठीक, ये 1.4 आ गया, यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक, अब बोलोगे कि हाँ भाई ये तो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क हो गया भाई, यहाँ पे 1.1 का आया क्लास A का आईपी दे दिया, अब यहाँ 1.4 का क्लास A का आईपी दे दिया, और यहाँ 1.6 का दे दिया। हाँ, तब हम दे सकते हैं, राउटर में तीनों में डिफरेंट नेटवर्क आईडी हो गया। अब इसका नेटवर्क आईडी क्या था, 11.0.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी था, इसका देखेंगे तो 14.0.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी अलग से हो गया, और इसका 16.0.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी अलग से हो गया। तो अब राउटर में तीन नेटवर्क हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वाला जो है ये है आपका नेटवर्क आईडी हो गया, और लास्ट वाला आपका जो है वो हो गया
लास्ट वाला हम देखते हैं कौन सा होगा, जैसे 11.255, 2555, 2555, 2555, कंप्यूटर में टाइपिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, इसके लिए सॉरी एक्चुअली। 2555, 2555, ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी थी, ये ब्रॉडकास्ट आईडी। अब आप देख सकते हो जहाँ जीरो से लेके, पहले जहाँ पे जीरो से लेके 255 तक जाएगा, फिर जहाँ से जीरो से लेके दो, पहले ये एक यहाँ पे चेंज होगा, फिर उसके बाद यहाँ ये 255 तक जो आएगा पूरा, ये पूरा 255 तक जाएगा, फिर ये 255, फिर 200। तो कितने सारे हम सिस्टम इसमें कनेक्ट कर सकते थे, जो हमने एक आईपी के लिए परचेज करके हमने सारे सिस्टम, सारे जो आईपी जो है बाकी ख़राब कर दी। क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए 20, और हम सिस्टम कितने कनेक्ट कर सकते हैं आप देख लो, 255 जहाँ भी, 255 जहाँ, 200, ये तीनों ऑक्टेट में 255 आएगा। उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा, और ये नेटवर्क आईडी, ये ब्रॉडकास्ट आईडी। तो यहाँ पे क्या था, 255 चाहिए। अब आप बोलोगे कि हाँ भी आप क्लास सी की आईपी ले लो, अगर आपने इतना ही है तो आप क्लास सी की आईपी ले लो। तो क्लास सी की आईपी लेके लेके देखते हैं, क्लास सी की आईपी हम लेके देखते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे, वन नाइन्टी सिक्स कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका आईपी, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी चेंज हो जाएगा, ठीक। ये आ गया, मान लो ये इधर, यहाँ भी 196 करना पड़ेगा। मैच कर लेते, थोड़ा लंबा हो जाएगा समझने के लिए, सबनेटिंग समझ के तो आप सब समझ जाओगे, ठीक। ये आपकी आई वो आईपी थी, तो आपने सबनेटिंग। अब इसमें कितना है, इसमें कितना ले सकते हैं आप, कितने ऑक्टेट जो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, ये तीन ऑक्टेट रिजर्व होते हैं क्लास सी में नेटवर्क आईडी के लिए। तो कितने इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें लेके जीरो से लेके 255, मान लो कि यहाँ पे 255 ये है नेटवर्क, नेटवर्क की आईडी है, ये नेटवर्क की आईडी चेंज नहीं होगी। तो जहाँ से जीरो से लेके 255 तक, मुझे 254 कंप्यूटर और जुड़ सकते थे अगर हम क्लास सी के आईपी लेते। तो 254 चाहिए थे, और चाहिए कितने हमें भी, हमने कनेक्टर कनेक्शन इसमें चाहिए था 20 का, और लिया कितना हमने 254 का। उसमें से हमने 2234 जो आईडी थी, आईपी थी, वो हमने वेस्टेज कर दी ना। इस चीज़ को रोकने के लिए हम सबनेटिंग करते थे। जैसे यहाँ भी देखो आप, जहाँ भी आप 144, 255, 255, 255, ये लास्ट इसका ब्रॉडकास्ट आईडी जाएगा, और उतने चाहिए कितने हमें, ओनली 30। यहाँ भी सेम, यहाँ 16.255.255.255, इतनी आईपी चाहिए थी हमें, इतनी आईपी तक चला जाएगा। और मुझे चाहिए, चाहिए कितनी, मुझे अगर चाहिए तो मैं 50 चाहिए। अगर मैं जहाँ क्लास सी की भी आईपी लेता, जैसे ये वाले आईपी में यहाँ भी लेता, तो फिर भी मुझे कितने कंप्यूटर इसमें कनेक्ट कनेक्ट करने थे, ओनली मुझे चाहिए थे 50 कंप्यूटर कनेक्ट करने थे, और चाहिए आईपी मेरी कितनी वेस्टेज हुई, 204 टोटल में। ये जो आईपी है 2 जीरो से लेके 255 तक क्लास सी में, लास्ट वाला ऑक्टेट जो है रिजर्व होता है होस्ट के लिए, तो 0 से लेके 255 तक, फर्स्ट को और लास्ट को हम छोड़ देंगे तो कितना बचा पीछे, पीछे पीछे बच गया तो 254। अगर 254 सिर्फ क्लास सी के अंदर बच रहा है, तो क्लास बी और क्लास सी में तो बहुत सारे आईपी जो है वेस्टेज आएगी। इन वेस्टेज को रोकने के लिए आईपी को हमने, क्योंकि ये सारी वेस्टेज जो जा रही है, साथ में ये आईपी जो जितनी भी आईपी हैं, ये सब परचेजेबल आईपी है, इनको परचेज करना पड़ेगा मुझे एक एक सिस्टम के लिए। तो यहाँ भी एक आईपी परचेज करनी पड़ेगी, यहाँ के लिए एक आईपी परचेज करनी पड़ेगी, एक आईपी मुझे इस इंटरफेस के लिए परचेज करनी पड़ेगी, तो कितनी सारी आईपी मुझे परचेज करनी पड़ेगी। इस चीज़ को रोकने के लिए हम करते हैं सबनेटिंग। अब तो आपको समझ आया होगा कि सबनेटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। हमने एक आईपी लेंगे, हम इस आईपी को परचेज करेंगे, और इसी आईपी को हम इन इन सब में डिवाइड कर देंगे। अब आप बोलोगे कि अभी डिवाइड तो हुआ नहीं, सबनेटिंग तो हुई नहीं, हमें कैसे पता लगेगा, ये भी आपको आगे आगे वाली वीडियो में समझाएंगे कि सबनेटिंग हो की क्या कैसे करेंगे हम। अच्छा,
अब डिफ़ॉल्ट मास्क देख लो, क्लास ए बी सी के वो हमने वन से हम नेटवर्क आईडी को डिनोट करते हैं और जीरो से हम होस्ट आईडी को देते हैं। क्लास ए में फर्स्ट वाला ऑक्टेट जो है रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, ठीक, और बाकी जो है होस्ट के लिए डिफ़ॉल्ट है बाइनरी। क्लास बी में फर्स्ट टू ऑक्टेट जो रिजर्व होते हैं उसके लिए, फर्स्ट टू ऑक्टेट जो रिजर्व होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं, और बाकी टू जो दो होते हैं जिन्हें होस्ट के लिए। क्लास सी में देखोगे तो क्लास सी में तीन जो ऑक्टेट हैं रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए और एक जो है होस्ट के लिए, ठीक। अब इसको जैसे हम कैसे पता लगा कि हमें, जैसे जब ये एग्जाम्पल है 15.20.45.24, ये एक एज ए एग्जाम्पल है, उसमें ओब्लिक एट लिखा होगा तो ये है क्लास ए का है, तो क्लास ए का है तो ये एट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सबनेट है। डिफॉल्ट सबनेट से मतलब आप समझो कि क्लास ए के लिए हम ओब्लिक में 18 ओब्लिक में एट लिखेंगे। अगर ओब्लिक में एट की जगह 6 होगा, 4 होगा, 10 होगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये सबनेटिंग हो रखी है इसकी। डिफॉल्ट सबनेटिंग इसकी क्या है, एक क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए 18, क्लास बी के लिए देखोगे तो ये एग्जाम्पल है 14 154 110.112.45, ओब्लिक कितने और बिट्स होते हैं रिजर्व होते हैं उसके लिए नेटवर्क के लिए, 16 होते हैं, 8 बिट्स यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, 16 रिजर्व होते हैं। क्लास सी का देखेंगे तो 201.115.1110.111 और ओब्लिक 24, कितने और बिट्स हैं, 8 8 16 8 24, 24 बिट्स टोटल क्लास सी में। ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट स्कीम वो है, ये तो रहेगा। और इनके अलावा कुछ भी चेंजिंग हुई, जैसे ये आप फर्स्ट वाला देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी क्लास का आईपी है, तो कुल क्लास का आईपी पहचानने के बाद आप ये देखोगे कि ओब्लिक में अगर इनकी डिफॉल्ट सब जो मास्क उसके अलावा लिखा हुआ है कुछ भी, तो इसका मतलब उसकी सबनेटिंग हो रखी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी 193.20.50.0, इसको हम सबनेटिंग करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं 193.20.50.0, ये हमारे पास एक आईपी है क्लास सी के आईपी है, इसको हमने सबनेटिंग करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पहले जो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास की आईपी है, तो ये क्लास सी की आईपी है। तो क्लास सी में क्या होता है, फर्स्ट क्लास सी में जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट है होते हैं वो रिजर्व होते हैं किसके लिए, ये फर्स्ट थ्री ऑक्टेट हैं वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, ये तीनों ये हैं ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, लास्ट वाला ऑक्टेट जो है रिजर्व होता है होस्ट आईडी के लिए। तो हमने जो नए इसको हम लास्ट वाले ऑक्टेट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जीरो था तो ये सभी 0 0 हो जाएगा, बाकी को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब इसका फार्मूला है कि 2n > मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन राउटर। आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने थे उसमें, 50 50 कंप्यूटर को हमने कनेक्ट करना था नेटवर्क के साथ, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कंप्यूटर थे जो एक राउटर के अंदर जो नया इंटरफेस के में सबसे मैक्सिमम जिसके अंदर होंगे, हमने वो देख लेना है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वो हमने ले लिया। तो इसका कोई कुछ लोग एग्जांपल लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 2n - 2। माइनस टू इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट आईडी है नेटवर्क के लिए और लास्ट जो है ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो उनसे तो वैसे माइनस कर देते हैं वो पहले ही, तो हमने वो माइनस ना करके क्योंकि आगे आगे भी इसमें आपको दिक्कत है कन्फ्यूजन आ रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। 2n, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेके आप अप टू जहाँ तक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या बोलते हैं आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। 2n > 50 50 50, क्या है मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो इंटरफेस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिस्टम हमने कनेक्ट करने थे वो 50 है। अब 2 की पावर हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ जाए, तो ग्रेट 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 इधर का आएगा, 2 पावर 1 तो 2 > 2 आएगा, 2 < 50 है। फिर उसके बाद 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी < है। उसके बाद 2 8 आएगा, 8 भी < है। उसके बाद 16 आएगा, 16 भी < 50 है। उसके बाद 32 आएगा, 32 भी > 50 है। उसके बाद क्या आएगा, 6 करेंगे हम, 2 2 2 4 4 8 8 16 32 64, तो 2 की पावर हम 6 यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि n की पावर हम 6 यूज करेंगे, तो
टू की पावर हमने क्या किया, सिक्स यूज़ किया। टू की पावर सिक्स यूज़ करने से क्या हुआ, टू की पावर सिक्सटी होने के टू और थ्री 64, तो 64 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। ठीक, ये आ गया। तो एन की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, सिक्स। तो हमने क्या करना है कि जो राइट से लेना है हमने, आपका आपका जो राइट है उससे हम लेना है 1 2 3 4 5 6। एन इक्वल टू सिक्स है तो जो इतनी जो है आपके पास, ये होस्ट है, ये सारे हमने होस्ट में ले लिए, और उसके अलावा जो भी हमारे पास जो आया बचा है उसको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। नेटवर्क में डिनोट करने के लिए हम वन वन यूज़ करते हैं, तो एज इट इज सब कुछ लिख देंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6, 6 जो है एन एन इक्वल टू सिक्स है, तो एन इक्वल टू सिक्स ये इतनी है, इतनी आईपी जो है इसको हमने जो होस्ट में ले लिया, बिट्स को होस्ट में ले लिया, और जो नेक्स्ट जो बिट्स जो बची हैं उनको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं कि नेटवर्क 12 बिट, 12 बिट से बोलते हैं, नेटवर्क आईडी ने बिट्स 12 की है। तो नीचे लिखा हुआ है ना, अब एग्जाम्पल शो दैट द नेटवर्क बारो 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट। नेटवर्क, ये नेटवर्क आईडी थी हमारे पास क्लास सी की, ये नेटवर्क आईडी थी, और इसने क्या किया, 2 बिट्स जो है होस्ट से बारो कर लिए। क्योंकि 2 बिट्स कैसे पता लगे आपको, एन इक्वल टू सिक्स आया तो सिक्स ये होस्ट रख दिया, बाकी जो भी बचा आपके पास उसको हमने नेटवर्क में दे दिया। तो नेटवर्क ने ये है 2 बिट्स जो है हो 2 बिट्स जो है वो आपके होस्ट से अब उसने बारो कर लिए। तो अब इसकी हम अगर बाइनरी निकालें तो इसका क्या आता है, 0 2 4 8 16 32 64 128। तो इसका 120, आप समझ रहे हो ना, बाइनरी में, बाइनरी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 को पहले 0 से, 2 की पावर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 की पावर 2 करने 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 3 8 4 16 5 32 6 64 7 2 70 128। तो 128 प्लस 64 को करेंगे तो 192 आएगा। तो हम इसको इसको बाइनरी से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 193.20.50.192। ये इसका नेटवर्क, ये हमने नेटवर्क इसका सबनेटिंग कर दिया। देखो इतना आसान है सबनेटिंग, यहाँ से हमने नेटवर्क आईडी लिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फार्मूला लगाया, n की पावर 6 निकल गई, तो 6 को हमने उतने होस्ट रख लिए, बाकी हमने नेटवर्क में दे दिए, और नेटवर्क ने नेटवर्क को 12 दे दिए, और नेटवर्क को हमने जिसकी इस आईडी आईपी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये हमारा सबनेटिंग निकले। अब इसका सबनेट मास्क देखेंगे, तो सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क का फॉर एग्जाम्पल इज कि फर्स्ट 3 जो है वो क्या रिजर्व है नेटवर्क के लिए, तो जितना नेटवर्क के लिए होगा उसको 255 से कर देंगे, 255 255 255.192। लास्ट वाला जो होस्ट का था तो उसको होस्ट का एज इट इज रखा, बाकी जो सबनेट में सबनेट मास्क में क्या करते हैं, फर्स्ट जितना आईपी जो जितना बिट्स जो है रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए उसको हम 255 लिखते हैं, जितना ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट हमने रिजर्व है हमारे नेटवर्क नेटवर्क आईडी के लिए, तो तीनों को हमने 255.255.255.192, लास्ट वाला होस्ट का तो 192 एज इट इज लिख दिया, तो ये निकल गया। अब हम बोलेंगे कि हाँ भी इसकी हमने सबनेटिंग कर दी, अब सबनेटिंग हम तीनों में डिवाइड करने हैं, हमने अलग सभी में डिवाइड करना है, मुझे ये जो नेटवर्क सबनेटिंग किया मैंने इसको मैंने सब में डिवाइड करना है, तो नेटवर्क के हर इंटरफेस पे मुझे अलग से चाहिए था। तो सबनेटिंग करेंगे तो यहाँ पे सबनेटिंग आईडी आ गई 193.20.50.0, क्योंकि फर्स्ट जो है हमने क्लास सी का है, तो क्लास सी का जो फर्स्ट वाला है वो हमने ले लिया सबनेटिंग आईडी, नेटवर्क आईडी, सबनेटिंग नेटवर्क आईडी बोलते हैं, बाकी एज ए नेटवर्क आईडी बोलते हैं सब में सब का, क्योंकि हमने सबनेटिंग की है उसकी, तो 193.20.50.0 इज आएगी फर्स्ट हमारी सबनेटिंग आईडी आएगी। और उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हम कैसे निकालेंगे, अब ब्रॉडकास्ट आईडी हम इसको तो नहीं बोल सकते 192 को, क्योंकि हमने 64 निकाला, तो हमने एज क्या करेंगे 64 जो है हम इसमें ऐड करते जाएंगे, तो हमने 64 इसमें ऐड किया, तो ये इसका कितना लास्ट में आ गया 63, क्योंकि 64 ऐड हम जीरो में भी करेंगे, जीरो एक एक आईडी हम जीरो को मानेंगे, तो 63 और ले लिया, तो हमने टोटल हो गया 64।
तो ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी होती है? जो लास्ट वाली होती है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो 193.20.50.63 इधर आ गया कि ओब्लिक, अब आप बोल रहे हो कि ओब्लिक 26 क्यों लिखा है? ओब्लिक 26 इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, क्लास सी का आईपी है। तो क्लास सी के लिए हमने डिफॉल्ट सब मास्क में देखा था, तो इसमें क्या आएगा, 24 24 आएगा, 24 में आ गया। पर नेटवर्क ने क्या किया, दो बिट्स जो हैं वो बारो किए हैं, नेटवर्क ने टू बिट्स जो बारो किए हैं, तो इसकी वजह से टू बिट इसमें प्लस हो जाएगा, इसे 26 हो जाएगा जी। अब ये पता लग रहा है कि हमने इसको सबनेटिंग की है, अगर जहाँ 24 होता तो ये पता नहीं लगता कि इसको सबनेटिंग की है। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हुआ, लास्ट वाली जो है ब्रॉडकास्ट आईडी होगी क्योंकि हमने 64 प्लस करना है। अगर यहाँ 32 होता तो हम 32 प्लस करते जाते, अगर यहाँ 128 होता तो हम 128 प्लस करते जाते, ठीक। तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई हमारी, ये ब्रॉडकास्ट। अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे, तो क्लास सी का है, तो क्लास सी का है तो हमने इसको क्लास सी का 2255255 नेटवर्क आईडी का सबनेट मास्क निकलता है। तो ये लास्ट होस्ट ये हमारा 0 है, तो 0 लिख के ओब्लिक 26। ओके नेक्स्ट। ओके तो सेकंड सबनेट, सेकंड जो इंटरफेस है उसके लिए हमने देखा है सबनेट आईडी निकाल दी, 64 से शुरू किया, जो लास्ट जो फर्स्ट जो सबनेट नेटवर्क इंटरफेस आईडी थी वो 63 तक थी। तो हमने 193.20.50.63 से शुरू किया था, यहाँ 64 कर दिया प्लस, इसमें 64 प्लस कर दिया तो 127 आ गया। तो लास्ट हम ये 127 आ गया, ये लास्ट फर्स्ट इसका नेटवर्क आईडी आ गया, लास्ट इसका ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। सबनेट मास्क निकालेंगे तो 255255255.64/26। इसी प्रकार हमने थर्ड निकाल दिया, थर्ड भी हमने क्या किया, प्लस कर दिया 128 में से 164 प्लस किया तो 191 हो गया। तो 191 हमने लास्ट इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया और फर्स्ट इसका सबनेट आईडी हो गया। अब इसमें कितने कंप्यूटर हम जोड़ सकते हैं, ये तो मैंने पूछा नहीं आपसे, कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं? फर्स्ट हो गया, टोटल कितने कंप्यूटर थे इसमें जोड़ सकते थे, 64 इन सब में, टोटल में 64 मैक्सिमम हमें चाहिए थे 50, पर हम कितने हमने कितने निकाल दिए, 64। तो कितना, सिर्फ 14, एक इंटरफेस पे सिर्फ 14 जो है आईपी है वो बेस्टेज आ रही है बस। बाकी पहले कितना जा रहा था, पहले तो क्लास सी के अंदर ही 254 जो आईपी थी वो बेकार जा रही थी, तो इसलिए हमने सबनेटिंग किया था। तो अब 64 इसमें सब 64 हो गया। अब लास्ट वाला है 192, अब इसमें 64 प्लस करेंगे तो 256 चला जाता है, तो हमने 256 नहीं जा सकते क्योंकि 256 को अगर डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 9 बिट्स का बनता है, तो हम 255 को ही रखेंगे लास्ट हम इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। सबने टाइट किया क्या रहा, 193.20.50.192/26। 191 थर्ड थी, फोर इंटरफेस के अपने लिए हमें मिल गया 192। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी रहेगी, जो हमारी नेटवर्क की सबसे लास्ट आईडी थी, 193.20.50 तीन ये नेटवर्क के लिए हो गया इंटरफेस लास्ट, और लास्ट जो है होस्ट आईडी है वो 255 लास्ट हमारा रिजर्व हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। सबनेट मास्क निकालेंगे तो फर्स्ट तीन जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो जो ब्रॉडकास्ट ऑफ आईडी हमारी 192, यहाँ पे 192 आएगा, सॉरी यहाँ पे 192 आएगा, ठीक ठीक है। अब हमने क्या निकाल दिया, ब्रॉड सबनेटिंग कर दिया, तो ये 64 हमने एक कनेक्शन दे दिया। ओके तो हमने अभी सबनेटिंग कर दिया, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं देखो। हमारे पास हमने एक आईपी परचेज किया था, 193.20.50.0, एक आईपी को हमने परचेज किया था, इस आईपी को हमने सबनेटिंग किया, सबनेटिंग किया तो फर्स्ट जो हमने सबनेटिंग किया तो 193.20.50.0 ये हमने दे दिया, जहाँ पे हमें 20 कंप्यूटर की हमें ज़रूरत थी, हमने ये आईपी नेटवर्क आईडी थी वहाँ पे दे दी, ये नेटवर्क आईडी हमने वहाँ पे दे दी। तो हमने यहाँ पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते थे, 64 कंप्यूटर हम इसमें कनेक्ट कर सकते थे, पर हमने 20 किए। अभी भी हमारे पास जो है टोटल हम 62 कवर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो नेटवर्क आईडी चला गया, लास्ट हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी चला गया, तो फिर उसके बाद बचे हमारे पास टोटल 62। 20 हमने यूज़ कर लिए, उसके बाद भी हमारे पास 42 हाफ और बचे हैं, 42 को हम और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और कम से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें हम 193.20.50.64 से लेके 127 तक,
टोटल 64, मगर टोटल 64 आईडी आईपी हैं, उसमें से फर्स्ट और लास्ट को निकाल दें तो 62 बचे। तो 30 हमने यूज़ कर ली, 32 हमारे पास और बची हैं, हम 32 को और कनेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर हम जो हमने लिया था कि हमारे पास 50 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं जो हमने कनेक्ट करने हैं, 128 से लेके, अब 128 से लेके 191 तक 64 कंप्यूटर हम इसमें कनेक्ट कर सकते थे, 62 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते थे, पर हमने कनेक्ट किए कितने, 50। अभी भी हम 12 कंप्यूटर और हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एक आईपी हमारे पास 64 की आईपी और है जिसको हम और अभी एलेबोरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन ले सकते हैं। तो सबनेटिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक आईपी को हमने परचेज किया और उसको हमने सबनेटिंग कर दिया, और सभी को डाटा, अभी ऐसे आर टू को एक डाटा भेजना है एक नेटवर्क आईडी के ऊपर, इस नेटवर्क आईडी के ऊपर, क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी आप देखोगे तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 193.20.50.64, ये इसकी नेटवर्क आईडी है, और इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 193.20.50.0, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। तो इन दोनों की नेटवर्क आईडी जो है वो डिफरेंट होगी। अब डाटा कोई भी आर टू से आर वन में आएगा तो उसको पता है कि मुझे ये नेटवर्क, इस नेटवर्क आईडी में भेजना है, तो वो इसी में भेजेगा। जब इसकी नेटवर्क आईडी के लिए डाटा आएगा तो इसके लिए भेजेगा, और इसके लिए आएगा तो इसके लिए भेजेगा, इसकी ये नेटवर्क आईडी है। तो सबकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी, तो ये होता है सबनेटिंग करने का तरीका। और सबनेटिंग करने से कितना फ़ायदा होता है कि एक आईपी हमने परचेज की और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी में, और जिससे हमारे पास जो है और भी अभी आईपी बची हुई है जिससे हम क्या बात है और भी ज़्यादा कनेक्शन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लास सी के आई पी है 194.40.50.0, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हम कनेक्ट करना चाहते हैं 92। सबनेटिंग करके बताइए इसमें कैसे हम सबनेटिंग करेंगे, इसमें तो कितने सबनेटिंग इंटरफेस में हम सबनेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।